हे गाइस, मून्स क्रिएटिविटी में आप सबको वेलकम। फ्रेंड्स, रात बहुत हो गई है, करीब 11 बजे बज गई है और मैं अभी अपने टेरेस पे हूँ और अपने कुछ प्लांट्स को मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मैंने जो वर्टिकल गार्डनिंग के लिए जो फ्लावर टावर खरीदी थी, मैंने उसमें देखिए ऐसे प्लांट मैंने ऑलरेडी जितने प्लांट्स मुझे लगानी थी मैं लगा चुकी हूँ। बाकी जो स्पेस खाली है वह मैं दूसरे जो प्लांट्स लाऊंगी उसको मैं लगा दूंगी। तो देखिए ऐसे मेरी पिटूनियस बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहा है। ये मेरा डायंथस, ये भी खिला है, तो मैं ये कर चुकी हूँ। अब मैं मेरे पास तीन जो कलांचो का प्लांट है, पिछले साल जो मेरा प्लांट था वो जून जुलाई महीने में बहुत गर्मी था तो उस समय वो खराब होने लगा था, तो मैंने उसकी कुछ हेल्दी जो स्टेम्स थी मैंने उसको कट करके उसको ग्रो कर लिया। तो इस बार वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं वो इस साल फ्लावरिंग करेगा कर पाएगा या नहीं, तो मैं उसको आज रिपोर्टिंग करूँगी। तो और जैसे कि आपको पता है मेरी बेटी की एग्ज़ाम फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है तो मुझे दिन में एकदम वक्त नहीं मिलता, तो मैं रात में ही कर रही हूँ दो दिन से। तो चलिए चलते हैं मेरे कलांचो की रिपोर्टिंग वाले वीडियो में, देखिए मेरे कलांचो के साइज़ कितना है और मैं कैसे उसको रिपोर्टिंग करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं इसको रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। रात हो गई है, 8 बज चुका है शाम के वक्त, और रात में अगर आप अपने प्लांट्स को रिपोर्टिंग करते हो तो ये टाइम जो है इसके लिए बेस्ट टाइम है। हमें सुबह अपने प्लांट को रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, अगर हम शाम को करते हैं तो हमारे प्लांट को सारी रात तक इसको वक्त मिल जाता है रेस्ट लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं इन तीन प्लांट को रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। मेरे इस प्लांटर में ये जो मैंने खरीद के लाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, तो मैं इसमें इन तीन प्लांट को रिपोर्टिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग कर ये मेरा हैंगिंग बास्केट है तो मुझे इसको कहीं हैंग करके रखना पड़ेगा, तो मैं इसको ज्यादा हेवी नहीं कर सकती। तो रिपोर्टिंग करने के लिए मैं लूंगी मिट्टी, कोई भी गार्डन सॉइल आप ले सकते हो। ये मेरे पॉट का मिट्टी है, पिछले साल का पॉट का मिट्टी है, इसमें सैंड मिला हुआ है। मैं जो नर्सरी से मिट्टी लाती हूँ, गार्डन सॉइल लाती हूँ, उसमें मैं सैंड मिला लेती हूँ, तो इसमें मेरा सैंड मिला हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसमें सैंड नहीं मिलाऊंगी। तो मुझे मैं लूंगी ये 20% गार्डन सॉइल लूंगी। ये जो मेरा कोकोपीट है, हैंगिंग बास्केट के लिए मैं लेती हूँ कोकोपीट, तो मैं ये 20% कोकोपीट यहाँ पे ले लूंगी। परसेंट मैं काउडाउ कंपोस्ट लूंगी। 10% यह मैं वार्मी कंपोस्ट लूंगी और 5% मैं लूंगी नीम खली यानी कि नीम के। फ्रेंड्स, कलांचो के लिए फ्रेंड्स काउडाउ कंपोस्ट में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है जो हमारे प्लांट को रूट ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है, इसके लीव्स को बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है और इसको फ्लावरिंग में भी ये बहुत हेल्प करता है। और हमने यहाँ वर्मी कंपोस्ट मिलाई है, वर्मी कंपोस्ट में भी नाइट्रोजन रहता है और वर्मी कंपोस्ट जो है एक बहुत ही अच्छा खाद है और ये हमारे मिट्टी को ये ठंडक भी देगा। और हमने इसमें नीम खली मिलाई है। नीम खली आप तो जानते हैं कि नीम खली हमारी मिट्टी में कोई कीड़ा फंगस लगने नहीं देता है, तो इसीलिए मैंने ये चारों इसमें मिलाई है। तो ये मेरा पॉटिंग मिक्स रेडी हो गया है,
अब मैं इसको इसमें भर लूंगी। मैं मिडिल में देती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे जो पुराने पत्तियां है, जो पत्तियां सूख गई है मैं उसको सारे हटा लूंगी और फिर इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। फ्रेंड्स ये जो कलांचो है ये इसको ज्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, इसको बस दो घंटे की धूप मिल जाए, सुबह की हो या शाम की हो, बस 2 घंटे की इसको धूप मिल जाए, हल्की जो धूप आती है वो मिल जाए तो इसके लिए बहुत है। तो मैं इसको अपने विंडो पे रखूंगी जहाँ पे शाम के वक्त सूरज ढलते वक्त 5 बजे से करीब 4 से 5 बजे तक यहाँ मेरे विंडो पे धूप रहती है, तो मैं अपने विंडो साइड पे इसको लगा दूंगी। और ये जो धूप है मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ। फ्रेंड्स कलांचो को आप स्टेम से भी, इसके स्टेम को कटिंग करके आप ग्रो कर सकते हो। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसका कोई भी एक अच्छा सा हेल्दी स्टेम आप काट के उसको पत्ते की खाद में लगा दोगे तो लगा के इसको छाए में रखने से वो अच्छे से 15 से 20 दिन के अंदर वो ग्रो कर जाता है। और इसको ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है, आप इसमें बस काउडांग कंपोस्ट डालोगे 15 दिन में एक बार। ऐसे प्लांटर में आप 2 चम्मच, जो बड़े चम्मच आते हैं उस चम्मच के आप 2 चम्मच डाल दोगे 15 दिन में एक बार, तो इसके लिए ये बहुत होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे इसमें अब मैं थोड़ी पानी डाल दूंगी और इसको ज्यादा पानी देने की भी जरूरत नहीं होती है। ज्यादा पानी से इसका जो रूट्स होता है वो गल जाता है, इसका स्टेम गल जाता है, तो इसको ज्यादा पानी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप 2 दिन में एक बार इसको, ये कोकोपीट पे लगा हुआ है तो इसमें मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा कोकोपीट, तो अब 2 दिन या 3 दिन में एक बार इसको पानी डाल दोगे तो इसके लिए बहुत होगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी कलांचो की रिपोर्टिंग। अब जब इसमें फ्लावर खिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ। मेरी ये कलांचो की रिपोर्टिंग वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर आप लोगों की भी कोई क्वेरीज है तो मुझे बताना और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।